Hello students, welcome to the e-learning class of MAPM. Today in class 5th English reader, we will going to start our first chapter of term 2, that is chapter 11, the first tooth. इस कविता को बच्चों किसने लिखा है? Charles and Mary Lamb. Charles and Mary Lamb के द्वारा ये कविता लिखी गई है. इस कविता में क्या है? इस कविता में एक छोटा बच्चा जब घर में किसी के आता है और उसका जब पहला दांत निकलता है, फर्स्ट टूथ का मतलब है पहला दांत, तो उसका जब पहला दांत निकलता है तो घर में कैसा माहौल होता है, इस कविता में यही बताया गया है. ठीक है बच्चों, तो आप अपनी बुक को ओपन करके रखिए और मेरी आवाज में आपके सामने स्क्रीन पे चैप्टर चलता रहेगा और आपको इस कविता को समझने का प्रयास करना है. Chapter 11, The First Tooth. Through the house, what busy joy, just because the infant boy. Poet कह रहा है कि पूरे हाउस में यानी पूरे घर में कितना ज़्यादा हर्ष है, कितना ज़्यादा खुशी है. किस वजह से है? Just because the infant boy. उस घर में एक छोटा बच्चा है, ठीक, जो कि अभी अभी पैदा हुआ है, उसकी वजह से उस घर में इतनी खुशी है. हैज़ अ टाइनी टूथ टू शो, आई हैव गॉट अ डबल रो. पोएट कह रहा है कि उसके पास एक छोटा दांत है जिसको कि वो सभी को क्या करता है, दिखाता है. I have got a double row. और हम लोगों के पास यानी जो बड़े लोग हैं उनके पास double row है, यानी पूरे पूरे दांत निकल चुके हैं. All as white and all as small, yet no one cares for mine at all. पोइट कह रहा है कि जितने भी दांत double row में निकले हैं वो सभी सफ़ेद हैं और सभी छोटे हैं. अब दांत बहुत बड़े तो होते नहीं हैं, तो सभी छोटे हैं. येट नो वन केयर्स फॉर माइन एट ऑल, लेकिन हमारे दांतों की देखभाल कोई भी नहीं करता. ही कैन से बट हाफ अ वर्ड, येट दैट सिंगल साउंड्स प्रेफर्ड. बच्चा जो है वो अभी बिल्कुल नहीं बोल पाता, एकदम थोड़ा थोड़ा बोलता है, जैसे हम कह सकते हैं कि वो आधा शब्द बोलता है. लेकिन येट दैट सिंगल साउंड्स प्रेफर्ड, लेकिन उसका जो वो आधा शब्द ही बोलना है वो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है. टू ऑल द वर्ड्स दैट आई कैन से इन द लॉन्गेस्ट समर डे. पोइट कह रहा है कि हम गर्मियों के दिन में जब दिन बहुत बड़े होते हैं तो जितना हम बकबक करते हैं हमारी सारी बकबक बेकार हो जाती है इस बच्चे के एक आधे शब्द के द्वारा. क्योंकि बच्चा आधा भी शब्द बोल देगा तो वो सभी को बहुत पसंद आएगा, और बड़े लोग अगर ज़्यादा बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि बकबक मत किया करो. ही कैन नॉट वॉक, येट इफ़ ही पुट विद मिमिक मोशन आउट हिज फुट. अब बच्चा जो है वो चल नहीं पा रहा है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा दूसरों को देख के नकल करने की कोशिश कर रहा है कि दूसरे कैसे चल रहे हैं. अब बच्चा है तो वो चलना तो इतनी जल्दी थोड़ी सीख जाएगा, उसे तो चलने में टाइम लगेगा, लेकिन वो तब भी दूसरों की नकल करके कुछ कुछ चीज़ों को पकड़ के क्या होता है, खड़ा होता है और चलने का प्रयास करता है. As if he thought he were advancing, it surprised more than my best dancing. अब पोएट कह रहा है कि बच्चा जो दूसरों की नकल करके आगे बढ़ता है उसका अपना एक उद्देश्य रहता है. वो उद्देश्य क्या रहता है कि वो चलना सीखता है, चलना उसका उद्देश्य रहता है. It surprised more than my best dancing. आगे पोएट कहता है कि उसके चलने को पोएट ने अपने डांस से कंपेयर किया है, ठीक,
कह रहा है कि बच्चा चलता है तो भी वो बहुत ही क्यूट, बहुत ही अच्छा लगता है, और उसके कंपैरिजन में मैं कितना भी अच्छा डांस कर लूँ लेकिन उसकी जो वैल्यू है उसके चलने की, वो हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। मेरी गिनती अच्छी चीज़ों में नहीं आएगी, लेकिन अगर बच्चा कुछ भी कार्य कर देगा, चूँकि वो छोटा है इसलिए उसके सभी कार्य जो हैं वो दूसरों को लुभान्वित करने वाले होते हैं। तो बच्चों, ये कविता आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बुक के पीछे दी गई एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा।